हेलो गाइस, दिस इज अतुल एंड यू आर वाचिंग टेक अतुल। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं टॉपिक पढ़ाने के पहले ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ये बुक अगर हो तो आप जो है उस टॉपिक के साथ जो है इसे कोरिलेट करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो बुक है मेरे पास वो है हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और ये बीएल थेराजा का बुक है। तो ये बुक तो आपको पढ़ना ही है, एकदम मस्ट है, क्योंकि इसमें जो भी बेसिक चीज़ें दी गई है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जो है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखो भाई, बेसिक चीज़ को अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जैसे कि डीसी नेटवर्क थ्योरम, वर्क, पावर, एनर्जी। आप सोच रहे हो ये तो क्लास 9th 10th में पढ़ाया जाता है, ये चीज़ अभी क्यों पढ़ूँ? तो देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरह हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ऐसा बहुत सारा बेसिक्स चीज़ है जो कि आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप मशीन ट्रांसफार्मर पढ़ोगे तो उस टाइम ये सब वर्ड्स जो है आपके सामने आएंगे। तो देखिए, ये जो बुक है बीएल थेराजा का, ये वॉल्यूम 1 एकदम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो मैं इसी के साथ साथ और एक बुक आपको रेफ़र करना चाहता हूँ, जो कि है ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ये भी एस चांद पब्लिकेशन का ही है, इसका राइटर है वीके मेहता एंड रोहित मेहता। तो ये भी बुक में बहुत अच्छे तरीके से बेसिक चीज़ों को अच्छे से दिया गया है, तो आप इस बुक से भी जो है पढ़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं दो दो बुक किस लिए बोल रहा हूँ, तो देखिए, ये जो बीएल थेराजा वाला बुक है इसमें आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, इसमें थ्योरी भी है लेकिन थ्योरी को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। और ये जो बुक है वीके मेहता एंड रोहित मेहता, इसमें आपको जो है न्यूमेरिकल्स कम मिलेंगे लेकिन जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें भी कवर किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ये दोनों बुक तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों बुक को जो है कोरिलेट करके आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे और बहुत अच्छे तरीके से उसे जो है अप्लाई कर सकोगे। अब जो दूसरा बुक मैं आपको बताने वाला हूँ वो इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए बहुत अच्छा बुक है, एकदम थ्योरी बेस है। तो इसके राइटर का नाम है एसके भट्टाचार्य। ये बुक तो आपके पास होना ही चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल मशीन के ऊपर बेस्ड है। इसमें जो है आपको सिर्फ डीसी मशीन, एसी मशीन, सिंक्रोनस मोटर, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा, ट्रांसफार्मर, थ्री फेज मशीन। तो ये बुक जो एसके भट्टाचार्य वाला बुक है, इसमें आपको जो है थ्योरी पार्ट को बहुत ज़्यादा एकदम डीपली से समझाया गया है, और मैंने इस बुक को पढ़ा है और इस बुक से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। अब इसी के साथ आपके पास और एक बुक होना चाहिए, जो कि है बीएल थेराजा वॉल्यूम 2। इस बुक में भी आपको एसी और डीसी मशीन के बारे में पूरा फुल डिटेल्स दिया गया है। तो ये दो बुक इसलिए मैं रेफ़र कर रहा हूँ क्योंकि आप जो है एसके भट्टाचार्य से आप थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करोगे, और ये जो बीएल थेराजा है इससे जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों को कंप्लीट करोगे। तो ये दोनों बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो मशीन का तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा आपके पास। और जब आप ये दोनों बुक कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको पढ़ना है अशफाक हुसैन का ये इलेक्ट्रिकल मशीन बुक, ये 3rd edition का बुक है। तो अगर आप लेना चाहते हो ये सारे बुक तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप उधर से जो है ख़रीद सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी ख़रीद सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि अगर आपका डिप्लोमा अभी 2nd ईयर लास्ट चल रहा है या फिर 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है और आप सोच रहे हो एसएससी जेई का प्रिपरेशन करने के लिए, मैं खास एसएससी जेई के लिए ही बोल रहा हूँ, तो आप लोग एक बुक को रेफ़र कर सकते हो जो कि बहुत अच्छी बुक है, जिसका नाम है एन इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जेबी गुप्ता का बुक है। इस बुक में आपका बेसिक से लेकर के एकदम इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा चीज़ को कवर किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बुक को भी साथ में रखें, क्योंकि जब आप बेसिक पढ़ें तो ये तीनों बुक को एक साथ पढ़ें, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को आप जो है कोरिलेट कर पाओगे और उसे जो है समझ पाओगे। तो यही कुछ बुक है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर से इसको देख लेना, हो सके तो ख़रीद भी लेना। तो
अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छा, और नहीं है फिर भी आप जो है इसे ख़रीदने की कोशिश करो बहुत जल्दी, क्योंकि मैं जो है आपको इसी बुक का रेफरेंस से ही पढ़ाऊँगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा चार्ज। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।